ऊधमसिंह नगर के बाजपुर में शुक्रवार रात रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित श्री रामलीला मंचन का शुभारंभ विधि विधान के साथ गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने फीता काट कर किया। बता दें, पूरे रामलीला मैदान की भव्य सजावट की गई है और इस बार रामलीला मंचन में भगवाकरण भी दिखाई देगा। रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछली बार की तरह इस बार भी कुछ हटकर रामलीला का आयोजन किया गया है। जैसे पिछली बार फिल्मी गानों से आगाज किया जाता था, लेकिन इस बार फिल्मी गानों पर रोक लगा दी गई है ताकि रामलीला देखने आए दूर दूर से दर्शकों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। वहीं वृंदावन से आए कलाकारों की अभिनय क्षमता और सुंदर मंचन से दर्शक अभिभूत नजर आए। इस दौरान वृंदावन के कलाकारों की प्रस्तुति देखकर विधायक अरविंद पांडे ने भी जमकर सराहना की। साथ ही रामलीला मंचन को भगवाकरण में देखकर कमेटी के पदाधिकारियों का भी आभार व्यक्त किया। आज रामलीला का भव्य शुभारंभ किया है। मैं समस्त क्षेत्रवासियों को आपके माध्यम से इस भव्य रामलीला शुभारंभ की शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और कमेटी को मैं इस बात का विशेष साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इस वक्त जो नाच गाने स्टेज पर होते थे उन सबको वंचित किया है और मंच पर इन चीज़ों को स्थान नहीं दिया है। सिर्फ राम जी के चरित्र का गुणगान किया है और निश्चित ही जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उससे इसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं कमेटी को पुनः बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि परंपराओं को जिंदा रखने का काम किया है। पिछली बार जो हमेशा रामलीला को कहीं ना कहीं भीड़ इकट्ठा करने के लिए फिल्मी गानों पे, इस पे डांस और इस प्रकार के कार्यक्रम चलते थे, हम उसके विरोधी नहीं हैं। लेकिन अगर जो किसी कमेटी में इतना क्षमता है कि हम ये अट्रैक्शन, दिखावा, नाच गाना, फिल्मी धुन, उनसे अलग हटकर हम अपनी सनातनी परंपराओं के माध्यम से हम लोगों को रिझा सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी सामर्थ्य की बात है, बहुत बड़े दम की बात है। और कमेटी ने ऐसा साहस जुटाया है, निश्चित ही कमेटी के अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है।